अभी अभी मैं नहा के निकला हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे काम करने और बारिश आ गई है। या दैट्स गुड, कूल, आई लाइक इट, इट्स गुड। ओके, सो ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए बनानी पड़ी मुझे, ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई। जो होटल मैंने बुक किया था वो मतलब पता नहीं कैसे वो हो गया फुल, जबकि मैंने बुकिंग की थी, एडवांस पेमेंट भी की थी। तो फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू बुक की थी, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा नाम है, मतलब अभी तो फ़िलहाल तो उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट भी कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल की चल रही है। तो नॉर्मली मैं उसी साइट से बुक करता हूँ, तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया 2-3 घंटे के बाद। तो उस दिन मतलब वैसे ही 2-3 बजे गए थे, उसके बाद फिर आराम से मतलब ये हुआ कि 5-6 बज चुके थे, तो और किसी होटल में चेक इन करना पड़ा एक दिन के लिए। तो वो होटल का भी अच्छा था, उसमें वीडियो में बना नहीं पाया, या फिर शायद बनाई भी वहाँ पे नहीं बनाई। वो अच्छा अपार्टमेंट था, पूरा अपार्टमेंट था वो। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा होटल चूज़ किया, लेकिन जितना भी मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा पे किया वो रिफ़ंड मुझे मिल जाएगा, लेकिन पे तो करना ही पड़ा एडवांस में, मतलब रिफ़ंड पर क्या पता कितने दिन बाद आए, 10 दिन बाद वो रिफ़ंड आएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब छोटी सी तो नहीं कह सकते, काफ़ी ब्लंडर था ये, काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी वो जो साइट थी वो मैंने चेक की थी, उसका कोई मतलब रिव्यूज़ वगैरह उस पर थे नहीं, नया अपार्टमेंट था जो भी मैंने किया था बुक, तो फिर इसलिए शायद बोल सकते हैं इसमें मेरी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि सस्ता मिल रहा था तो उसी प्राइस में और कोई था नहीं उससे अच्छा, तो वो इसलिए मैंने बुक कर लिया था। उसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन था मेरा, जो जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ये फिर मैंने एट ए टाइम ये बुक किया, होपफुली मतलब किस्मत रही कि ये तो चलो मिल ही गया। ये भी ठीक है, काफ़ी इसमें थोड़ी बहुत कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, तो देखते हैं वो अगर ये पूरी कर पाते हैं या नहीं। इनको बोली तो मैंने, तो टूर कराता हूँ इस रूम का। ओके, सो लेट्स गो। ये एंट्री गेट, एंट्री करते ये एक छोटा सा टेबल, और ये डबल बेड, फ्रिज। यहाँ पे टेबल की कमी है, टेबल एंड चेयर, उसको वो बोली है मैंने, तो ओनर अभी बाहर है आउट ऑफ कंट्री, वो आके इसको फिक्स करेगा। ये अलमारी, एसी, और ये है पूरी बड़ी बालकनी। यहाँ पे चेयर्स वगैरह है, ये व्यू, और बारिश का मौसम है, थोड़ा काफ़ी अच्छा व्यू, बहुत अच्छा मौसम है। वो बीच है, जोमटिन बीच, जहाँ पे मैं पिछली बार रुका था। और अभी मैं जा रहा हूँ किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए। यहाँ पे मैं चेक किया नहीं है कैसे इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन फूड, हालांकि जो पिछली बार मैं बैंकॉक में गया था वो बस ठीक ठाक था। Hopefully it will be better. So see you next later. Take a sky music dance and you heard some music from that.